बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ हैदराबादी मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनती है। बहुत ही आसान तरीके में मैं आपको सिखाऊंगी इसको बनाना। आप हर एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें मीट को मैरिनेट करना है। यहाँ पर मैंने 2 केजी गोश्त लिया है, जिसको मैंने धो के रख दिया था। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी, 2 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के, 8 से 9 छोटी इलायचियाँ, 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 7 से 8 लौंग, 6 हरी मिर्चियाँ। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून हल्दी, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना, ये 2 टेबलस्पून है। अब इसमें 1 कप प्याज आएगी, 2 कप दही के जाएंगे और सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इस मैरिनेशन में हम मीट को 3 से 4 घंटे तक रहने देंगे। अगर गोश्त फ्रेश नहीं हो तो आप मीट टेंडराइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 4 घंटे हो चुके हैं और जो मीट है अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा, 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, 1/2 कप तेल, ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इस मैरिनेशन में हम गोश्त को 1/2 घंटे तक रहने देंगे। गोश्त को हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। मीनवाइल हम चावलों को उबालने की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 लीटर पानी लिया है, जिसमें मैं 2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, 3 लौंग और नमक ऐड करूँगी। नमक थोड़ा सा तेज़ी रखिएगा पानी में, बाद में पानी के साथ नमक तो निकलना ही है, बट बाद में आप बिल्कुल भी एडजस्ट नमक नहीं कर सकते हैं बिरयानी में, तो इसी टाइम आपको चेक करना है। अब हम इस पानी को उबालने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, जिसमें मैं 2 चुटकी ज़ैफ़रान ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और अब मैं इसको साइड में रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने 1 केजी बासमती चावल लिए हैं, जिनको मैंने 2 के भिगोने के लिए रख दिया था 15 मिनट तक। और अब मैं ये चावल पानी में ऐड करूँगी। पानी उबल रहा है और अच्छी तरह से एक बार मिक्स करूँगी। अब पहली लेयर जो चावल की है वो 20% डन होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। देखिए हम इसमें से कुछ चावल उठाएंगे, 20% जो डन होंगे जिस हमने डाले हैं और उठा रहे हैं वापस, और पहली लेयर हम बिरयानी के चावलों की जो है 20% वाली लगाएंगे, यानी बिल्कुल कच्चे ही है ये। देखिए ऐसे फैला के इस चावल डालने हैं गोश्त पे, बिल्कुल हल्के हाथ से, दबाना नहीं है वरना ये खिलेंगे नहीं।
अब मैं इसमें 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना ऐड करूंगी। और अब ये जो चावल है ये 50% डन हो चुके हैं। देखिए हम ये चेक करेंगे, ये देखिए कैसे टूट रहे हैं। और अब हम गैस को बंद करेंगे और ये चावल हम फैलाएंगे बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले फैलाए थे। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको ये ऐड करने हैं, दबाना चावलों को बिल्कुल भी नहीं है वरना ये खिलेंगे नहीं। अब इस पे मैं सैफरान वाला दूध ऐड करूंगी, इससे इसका कलर और खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाती है। इलायची का पाउडर 1 टीस्पून, ये मेरे पास घी है 2 टेबलस्पून जो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इसको हम ढक के हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक इसमें स्टीम ना बन जाए। देखिए इसमें स्टीम बन गई है और ये बहुत ज़रूरी है इसमें स्टीम बनना। और अब हम इसको दम देंगे। यहाँ पर मेरे पास एक किचन टॉवल है, आप सिल्वर फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम दम देंगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जिस भी बर्तन में आप बिरयानी बना रहे हो वो बर्तन हैवी होना चाहिए। अगर बर्तन हैवी नहीं है तो गैस पे पहले एक तवा रखें, उसके ऊपर बर्तन रखें, फिर इसमें दम दें। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस बंद कर लिया है। अब हम बिरयानी को सर्व करेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। और हम साइड से इसको खोलेंगे, बिरयानी को हमेशा साइड से सर्व किया जाता है। देखिए एक एक दाना खिला हुआ है और इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है बिरयानी में से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी चावल कितने अच्छे तरीके से खिले हुए हैं। देखें अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको मिर्ची के सालन के साथ, टमाटर के रायते के साथ, दही के रायते के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।